मैस्टरबेशन यानी मुशजनी और हैंड प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई उम्र के किसी हिस्से में करता है, कोई उम्र के किसी दूसरे हिस्से में करता है। आज हम जानते हैं क्या इसके नुकसानात हैं और अगर कोई नुकसानात हैं तो उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दिस इज अली अजमल, मैं एक माहिर नफ्सियात हूं और गुज़िश्ता 10 सालों से अपना क्लिनिक रन कर रहा हूं। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर भी अपनी खिदमात सरंजाम दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे मैस्टरबेशन पे यानी मुश्तज़नी पे। बहुत सारे लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं और इस चीज़ का गिला करते हैं और बहुत परेशान हैं कि कुछ गलत आदतों की वजह से, ख़ास तौर पे मैस्टरबेशन की आदत की वजह से उन्होंने अपनी जवानी तबाह कर ली है और अब उनको ज़िंदगी में वो नॉर्मल जो सरगर्मी है वो सर अंजाम नहीं दे पाते। इसमें बहुत सारे लोगों के पास इसके बारे में कोई एक्सपर्ट नॉलेज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकली मैस्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है। आज तक जितनी भी रिसर्चेस हो चुकी हैं मेडिकल साइंस में, उनसे यही साबित होता है कि मैस्टरबेशन का कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अब ये नुकसान हो सकता है अगर कोई शख्स मैस्टरबेशन में यानी मुश्तज़नी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम हद से ज़्यादा इस आदत में मुब्तला हैं, फिर ये हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के उसको डिस्टर्ब कर सकती है। अब ये एक ज़ुबान ज़दे आम चीज़ है और बिल्कुल गलत आम चीज़ है। जो कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हैं, उन्होंने ये चीज़ें फैला दी हैं माशरे में कि शायद मैस्टरबेशन करने से नौजवानी तबाह हो जाती है। और जिसकी वजह से मसला ये आया है कि बहुत सारे नौजवान जो मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं वो जिस्मानी तौर पर तो ठीक है, लेकिन ऐसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो ज़हनी तौर पर अपने आप को ख़राब कर बैठे हैं। और अब जो उनको मसले, जिस्मानी मसले आ रहे हैं, उसकी वजह जो है वो उनकी जहन में ये जो टेंशन है और गिल्ट है, जो कि ऐसी ही सारी गलत किस्म के लोगों ने, गलत किस्म के जो एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन फैलाई हुई है। अब अगर बात करें तो इसके मेडिकली क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखें, अगर तो हद से ज़्यादा अगर कोई शख्स मैस्टरबेशन की आदत में मुब्तला है तो उसको उसकी जो डिज़ायर है उसमें कमी वाक़या हो सकती है। और शादीशुदा लोग जो हैं वो शायद अपने पार्टनर के पास जाने का उनका दिल ना करे, अगर तो कोई शख्स ज़्यादा ही मैस्टरबेशन में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो लोग इस बात को याद रखें कि ये आपके जहन का मसला है। आप अपने जहन में, अगर आप माजी में ऐसी आदत में मुब्तला रहे हैं तो आप अपने जहन से गिल्ट और टेंशन और ये जो आपको वहम हो गया है कि इसने आपको बर्बाद कर दिया है, इससे निकलें, तब ही आप जिस्मानी तौर पे भी ठीक तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। अब अगर बात कर ली जाए कि अगर कोई शख्स इस आदत को छोड़ना चाहता है, मैस्टरबेशन की, मुश्तज़नी की आदत को छोड़ना चाहता है, तो वो कैसे छोड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक मुनासिब इंटरटेनमेंट के मौके फराहम करें। होता असल में यह है कि जब हम सारा दिन अपने काम की भागदौड़ में लगे रहते हैं, स्टूडेंट है तो वो पढ़ता रहता है, कोई अगर जॉब वाला है तो वो जॉब करता रहता है, तो हमारे पास एक, हमारे माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम आम तौर पर ऐसी आदत की तरफ जाते हैं। और अगर आप इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को इंटरटेन करें, आप एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करें और फिर आप देखेंगे कि आप इस आदत से काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेंगे। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैस्टरबेशन की वजह से हम जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो गए हैं, हम सुस्त हो गए हैं,
शायद हमारी स्किन खराब हो गई है और उसके अलावा शायद हमारी जिंसी ताकत में कमी वाकया हो गई है और उसके साथ साथ हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, एक एहसास नदामत और एहसास जुर्म में चले जाते हैं, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो गिरा देते हैं, खुद को अच्छा नहीं समझने लग जाते और हम समझते हैं शायद कि हम कोई बुरे इंसान हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में मैस्टरबेशन का यही नुकसान है कि ये जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को खराब कर देती है, हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम परेशानी में चले जाते हैं और जितने भी आपको उसके बाद थोड़े बहुत अगर जिस्मानी मसले आप महसूस करते हैं तो वो मैस्टरबेशन की वजह से नहीं करते बल्कि आप अपनी इस माइंड की स्टेट की वजह से महसूस करते हैं जिसमें आप परेशान हैं, आप गिल्ट में चले गए हैं। और इसी का फायदा क्वैक्स उठाते हैं, मुख्तलिफ तरह की दवाइयों का आपको एक लालच देके, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज है। मैस्टरबेशन आपका इतना नुकसान नहीं करती जितना कि आपकी ये जो गिल्ट और आपकी परेशानी है इसकी वजह से होने वाली वो आपका नुकसान करती है। तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी परेशानी से, नदामत से और ये जो आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब कर बैठे हैं इससे निकलिए। इससे निकलने के साथ साथ ही आपको ये जो थोड़े बहुत अगर आपको फिजिकल मसले हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको फिर यही बात कहना चाहता हूं कि मैस्टरबेशन का जिस्मानी नुकसान तो शायद कोई नहीं है मेडिकल साइंस के मुताबिक, लेकिन इसकी वजह से आपका जहन तबाह हो रहा है। ये जो क्वैक्स बैठे हैं इनकी बातों पे जाके अपने जहन को बर्बाद मत कीजिए, जिंदगी खूबसूरत है, इसको इंजॉय कीजिए और इस आदत को छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।